छत पे आने का कारण ये है कि लाइट, बहुत प्यारी लाइट आती है यार। फाइनली पेंटिंग डन एंड पेंटिंग को उल्टा रखा हुआ है अभी के लिए। ओके, तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लवी नागर, स्वागत है आपका नए व्लॉग में। एंड आज व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रहा हूँ यार, अभी रात के 1:30 डेढ़ बोलते हैं ना, 1:30 नहीं बोलते, तो हाँ मतलब 1:30-1:45 एक ही बात है, 10-20 मिनट का फर्क है। तो हाँ अभी ऑलमोस्ट 2 बजने वाले रात के, चलो ठीक है तेरी सुन लेते हैं। तो हाँ अभी ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट किया, मैंने सोचा था तभी ब्लॉग स्टार्ट करूंगा, तब पेंटिंग पे काम करना स्टार्ट करूंगा सुबह से, तब सुबह तो बोल रहा हूँ जब से उठाऊँ, शाम का उठाऊँ तो जब से फ़ोन यूज़ कर रहा था, बस बैठे बैठे यूट्यूब और ये सब टाइम पास चल रहा था। तो हाँ अभी स्टार्ट करते हैं हमारी पेंटिंग। यार अभी रात के 2 बज चुके हैं पर अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, उसकी वजह है हमारा टिफिन। जो हमारा टिफिन है ना उसमें आज लौकी आई है और इतनी गंदी लौकी बनाते हैं ना, मुझे लौकी पसंद है, मैं खा लेता हूँ, इतने नखरे नहीं करता खाने में, पर जो हमारे टिफिन में लौकी आती है ना एकदम गीली सी अजीब सी, उसमें तेल तैरता रहता है ऊपर, तो अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं खा पाएंगे। तो अभी मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया है, रात के 2 बज रहे हैं इसलिए, नहीं तो बाहर जाके कुछ खा लेते, सस्ता सस्ता था, तो अभी लास्ट ऑप्शन ये था हमारे पास जोमेटो से ऑर्डर करने का। तो हाँ अभी जोमेटो से ऑर्डर किया है, तो अभी क्या, तो अभी वेट कर रहे हैं जोमेटो का। तो अभी वेट कर रहे हैं जोमेटो राइडर का, उसमें 10 मिनट बता रहा है तो 10 मिनट में आता होगा। तो अभी खा पी के बैठूंगा पेंटिंग करने, क्योंकि फिर बैठूंगा 10 मिनट पहले टॉयलेट लगा के, फिर उठना पड़ेगा, हाथ धुलना पड़ेगा, तो हाँ अभी खा पी के बैठ। ठीक है, मस्त लग रही ना पेंटिंग, आते में कार समझ में आ रही एकदम सेक्सी। हाँ, ऐसे छोड़ दूं, मेरे को तो स्केच में भी समझ में आई थी। अच्छा साले, अरे मतलब अच्छी लग रही है, लग रही है कंप्लीट मतलब। हाँ नहीं 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 बढ़िया एकदम, बस ये अपने बंगलों के बाहर जिस दिन खड़ी रहेंगी ना उस दिन ये पेंटिंग के साथ खड़े रहेंगे, फोटो डालेंगे। हाँ यार, तो ऐसे नहीं बना रहा हूँ मस्टैंग, तो ये कार मेरी ड्रीम कार है, मतलब मेरी कोई ड्रीम कार है सच कोई नहीं है, जैसे लोगों की स्पोर्ट्स कार होती है लैम्बोर्गिनी है वो, मुझे ये क्लासिक मस्टैंग बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत पहले से पसंद है। जो मतलब जो लुक है ना यार इसका, मतलब क्या पता भाई, जब तक शायद हम लेने के लायक हों तब तक ये मिले ही ना, आई मीन। पर यार बहुत इच्छा यार ये कार किसी दिन हो, तो इसलिए बना रहा हूँ मैं इस कार को, देखते हैं फ्यूचर में। अभी मिलेंगे मिलेंगे भाई, मिलेंगे मिलेगी ना, किसी से ले लेंगे अपन ऐसे कुछ, अभी इतने नहीं मिलेंगे तो खरीद लेंगे ज्यादा पैसे देके। हाँ भगवान करे ये कार कभी खड़ी हो यार गैराज में, तो हाँ इसलिए बना रहा हूँ ये कार। ठीक है, तो हाँ यार जोमेटो में 8 मिनट बता रहा था, 10 मिनट बता रहा था कि 10 मिनट में हमारा खाना मिल जाएगा, और अभी मैं सही बता रहा हूँ 25 मिनट से वेट कर रहा हूँ, पर वो यही बता रहा है डिले डिले यूर फूड इज डिले डिले, पता नहीं क्या यार क्या मतलब, इससे अच्छा तो मैं पेंटिंग करने बैठ जाता शांति से। तो 25 मिनट से बैठा हुआ हूँ, 8 मिनट दिखा रहा था और अभी 25 मिनट हो चुके और अभी तक कॉल नहीं आया डिलीवरी वाले का, क्या सीन है यार पता नहीं, क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छे से बना रहा शायद हमारी पनीर की सब्ज़ी वो, इसलिए टाइम लग रहा है। तो यार फाइनली फोन आया अभी डिलीवरी वाले भैया का, नीचे खड़े हुए हैं तो लेके आता हूँ, बहुत टाइम लगा दिया यार। जोमेटो वाले भैया इधर इधर भैया, दे दो यार, बहुत टाइम लगा दिया यार तुमने यार, माँ की रेस्टोरेंट से नहीं मिला। अच्छा रेस्टोरेंट में टाइम लग गया क्या, चलो ठीक है कोई बात नहीं। माँ की रोटी क्या लिखा, माँ की रसोई, तो हाँ यार ये माँ की रसोई से मंगाया है। फाइनली आ गया हमारा पनीर, एंड वो भैया बोल रहे थे कि वहीं से लेट कर दिया रेस्टोरेंट से, वो लेट नहीं हुए यार, रेस्टोरेंट से लेट हुआ होगा, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। बस खाता हूँ ये माँ की हाथ की रसोई, देखते हैं कैसा टेस्ट है। ओह वाह यार ये भी बना हुआ है इसमें, इसकी पैकेजिंग अच्छी है यार, देख है ना ये देख लोगो, और ये सब लोगो अच्छा लगा मुझे, माँ की रसोई ब्रांडिंग पैकेट वैकेट प्रॉपर एकदम। फूड ब्लॉगर बन जाऊँ क्या मैं, हाँ लास्ट ब्लॉग में आलू के पराठे, इस ब्लॉग में पनीर, पेंटिंग तो हो नहीं पा रही है। वाह चम्मच भी दिए, चलो ये अच्छा है। पनीर कहाँ है, हाँ है, स्मेल अच्छी आ रही है बहुत, चलो खाने में पता चलेगा स्मेल अच्छी आ रही है ना यार, इसको लेने के लिए चम्मच आई तो है ना भैया, ये भी देना पड़ेगा क्या। अच्छा अच्छा है, मस्त मसालेदार, ऑर्डर कर सकते हैं मतलब बाकी लोग भी जो इंदौर में रहते हैं। ओके तो हाँ यार खाना पीना डन, अब आराम से बैठ के अपनी पेंटिंग में कर सकता हूँ। ठीक है तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो पैलेट तो कल वाली है, मैंने इसको थोड़ा सा स्प्रे करके रख दिया था,
है ना एयर के कॉन्ट्रैक्ट में रखते हैं ना तो सूख जाती है, पर मैंने इसको मेरे इसके बैग के अंदर रख दिया था तो अभी तक गीली है। देखो ये कलर इसके बिल्कुल गीले हैं, तो हाँ अभी काम आ जाएंगे, वरना एक्रेलिक कलर एक दो घंटे में ही सूख जाते हैं पूरी तरह से। तो अभी इस पर स्प्रे करके हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं सीधा काम करना, डबल से कलर्स नहीं निकालने पड़ेंगे। एंड अभी मैं इसमें बॉटम में थोड़ा काम करने वाला हूँ, थोड़ी डिटेलिंग करने वाला हूँ, फिर कार में डिटेलिंग करेंगे देन फिर। तो हाँ इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली ये पेंटिंग मैं कंप्लीट कर दूंगा, कंप्लीट करना ही है, कर दूंगा नहीं करना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड पेंटिंग करने से पहले सबसे पहली चीज जो मैं करता हूँ वो म्यूजिक लगाना। तो म्यूजिक लगा के मस्त आराम से बैठ जाओ, क्योंकि घंटों सिटिंग करनी रहती है तो म्यूजिक जरूरी है यार। और अपनी पैलेट और वाटर कंटेनर भी अपने राइट हैंड साइड रखता हूँ, क्योंकि राइट हैंड से मैं पेंटिंग करता हूँ ना। तो अभी पेंटिंग के बॉटम में मैं काम कर रहा हूँ और लास्ट के कुछ स्टेजेस में से अभी पेंटिंग में काम चल रहा है। पेंटिंग क्या होता है ना, स्टेजेस में पहले फर्स्ट वॉश होता है, फिर बेसिक कलर हम फिल करते हैं, फिर टेक्सचर बनाते हैं हम, फिर उसके बाद डिटेलिंग्स करते हैं। तो अभी मैं टेक्सचर पे काम कर रहा हूँ, उसके बाद थोड़ी डिटेलिंग करूंगा इस पेंटिंग में। एंड बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करने वाला हूँ, सारी डिटेलिंग जो रहेगी वो कार में रहेगी, बाकी बैकग्राउंड और फोरग्राउंड सिंपल ही रहने वाले हैं। इट के पेंटिंग कर रहा था बढ़िया से। एंड अभी देखो 3:30 बजे रात को ये लोग नीचे आके खड़े हुए हैं, कहते हैं चाय पी के आते हैं। अब रात को चाय कहाँ मिलेगी इनसे पूछना पड़ेगा। विशाल चले, चलने का मन नहीं है। नहीं है मन, पेंटिंग है भाई, अच्छी लग रही है। अब थोड़ा नीचे काम किया मैंने यहाँ पे शेडो में। एंड जाते हैं चाय पीने। कितना टाइम हो रहा है? ओ भाई 4:10। हाँ भाई नींद नहीं आ रही क्या? आधी रात को आ रहा है चाय पीने। क्या सोने नहीं दे रहा भाई? अच्छा क्या काम करवाया इसने? ऐसा ऐसा क्या किया है सोने नहीं दे रहा भाई? आंखों में नींद निखरी दे रही क्या? सो जा करो टाइम से। तारक बताओ चड्डी गैंग का मेंबर रहता ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं। तो है यार पोहा चाय दोनों। मेरा तो पेट भरा है। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा। अरे बहुत पेट भरा हुआ, 2 बजे खाना खाया आज वो माँ की रसोई। अरे आज लोकी आई थी ना, पकड़ भाई उसकी भी ले ले विशाल। तो हाँ यार चाय वगैरह डन, वापस बैठते अपनी पेंटिंग करने के लिए। एंड अभी मैं जो फोरग्राउंड है पेंटिंग का उसी पे काम करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि टेक्सचर होता है देन डिटेलिंग होती है, तो अभी मैं टेक्सचर बना रहा हूँ और डिटेलिंग ज़्यादा करूँगा नहीं फोरग्राउंड में। जितनी भी डिटेलिंग होगी वो कार के ऊपर ही होने वाली है, क्योंकि फिलहाल के लिए जो कार है वो हमारी पेंटिंग का फोकल पॉइंट है, जहाँ पे मेरे को व्यूअर की आंखों को मूव कराना है सबसे ज़्यादा। जहाँ पे व्यूअर की आंखें टिकी रहना चाहिए वो कार है, इसलिए उसमें सबसे ज़्यादा डिटेलिंग होने वाली है। अभी काम नीचे इस पे काम किया है मैंने, नीचे वाले सरफेस पे थोड़ा लग रहा होगा आपको। एंड थोड़ा धूप का इफेक्ट भी दिख रहा है, अब शेडो बनाई है तो है ना। एंड काम करते करते सुबह हो गई है, विंडो से बाहर देख लो। अब इसको कैनवास को नीचे रखते हैं एंड अब डिटेलिंग करूंगा मैं बस में कार पे। एंड थोड़ा बहुत डिटेलिंग का काम अगर बैकग्राउंड में होगा तो वो करूंगा थोड़ा बहुत, बाकी मैं ऐसे ही छोड़ने वाला हूँ बस। हाँ अभी कार में काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग है तो इसको पास से दिखाता हूँ आपको समझ में आएगा। ये देखो बिल्कुल भी डिटेल नहीं है, ये सिर्फ मैंने बस ऐसे ही बना रखा है हल्का फुल्का। हाँ ये भी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा सा दिख रहा है ये वाला टायर, तो ये इस पर बहुत डिटेलिंग होगी, पर अगर आप दूर से देखोगे इसको वाह क्या मस्त लग रही है ना। तो हाँ अभी डिटेलिंग करते हैं इसमें आराम से बैठ के। डिटेलिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाने वाला है, काम डिटेलिंग में दिखता नहीं है पर टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। आपको ये पेंटिंग बिल्कुल वैसे ही लगेगी सेम आई थिंक डिटेलिंग के बाद, पर डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करता हूँ काम। और मेरे को थोड़ी नींद भी आ रही है तो थोड़ा बहुत काम और करता हूँ डिटेलिंग का, फिर सो जाऊँगा, फिर कल करेंगे। ओके तो हाँ यार अभी डिटेलिंग करने के लिए कैनवास को उठा के नीचे रखता हूँ एंड आराम से नीचे बैठ के काम करेंगे हम। दिस इज आवर सिटिंग पोजीशन, चेयर हट गई है, शांति से बैठ के काम कर सकता हूँ उस पर मैं। हाँ यार फाइनली डिटेलिंग स्टार्ट कर दी है। एंड डिटेलिंग करते टाइम ना बहुत ज़्यादा फोकस के साथ करना पड़ता है सारा कुछ काम, बाकी काम तो आप ऐसे भी कर सकते हो पर डिटेलिंग में बहुत ज़्यादा फोकस लगता है, इसलिए यही काम करने में सबसे कम मज़ा आता है। ओके तो यार अभी थोड़ी डिटेलिंग की है एंड आज के लिए इतना काम काफ़ी है, अभी मेरे को नींद आ रही है तो अभी तो मैं सोऊंगा, फिर बाद में करता हूँ, कल करता हूँ बाकी काम। कल इस पेंटिंग को फिनिश करके उठूँगा सीधा मैं, तो हाँ कल में हो जाएगी ये। डिटेलिंग करने में मुझे सबसे ज़्यादा मौत आती है, अभी मैं थोड़ी देर और काम कर लेता अगर डिटेलिंग नहीं करनी होती। डिटेलिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, सबसे ज़्यादा फोकस रहना पड़ता है काम करने के लिए, तो हाँ ऐसी हालत में नहीं कर सकता काम में। तो अभी तो मैं सोऊंगा फिर उसके बाद कल
पेंटिंग को फिनिश कर। अभी के लिए पैलेट को रख देते हैं, इसमें काफी ज्यादा कलर मैंने निकाल रखा है, तो इसको मैं स्प्रे बॉटल से है ना पूरा स्प्रे मार दूंगा अच्छे से, ठीक है। तो अभी ये कलर ना सूखेगा नहीं, अब मैं इसको ना जैसे इसको यहीं खुला छोड़ दूंगा तो ये सूख जाएगा एक दो घंटे में, पर इसको अगर मैं इधर बैग में रख दूंगा ना अंदर तो ये सूखेगा नहीं फिर। हाँ तो अभी बैग में रख दिया है, अब पैलेट भी रख दिया, अभी काम नहीं कर रहा मैं, ब्रशेस तो पड़े रहने देता हूँ इसमें ही। यार अभी अच्छा खासा सोने जा रहा था मैं, नींद आ रही है मुझे। अरे हमारे विशाल सर ये ना पेंटिंग का शॉट लेना है तो ये तैयार हो रहा है देखो सुबह सुबह। भाई सो जाए यार। अबे भाई ठीक है यार। अबे अच्छा लग रहा है, क्या मुंह क्यों धो रहा है भाई? बाल बाल वैसे हो जाएंगे फिर सेट करेगा उनको बाल सही है। अरे ठीक है अच्छे लगते हैं ऐसे बाल भाई वीडियोस में। चलो हाय एवरीवन। हाँ तो ये इसकी पेंटिंग है ना, इसका इसको शॉट लेना छत पे जाके, तो छत पे जाके मेरे को मतलब मैं वीडियो बनाऊंगा ये ऐसे पलटाएगा पेंटिंग, तो हाँ इसकी वीडियो इसके चैनल पे आप जाके देख सकते हो। तो चैनल की आईडी नीचे दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, विशाल मेहरा 29 है ना, यही है ना 29 हाँ। @ विशाल मेहरा 29 ऐसी है। छत पे आने का कारण ये है कि लाइट बहुत प्यारी लाइट आती है, देखो पेंटिंग भी कितनी प्यारी लग रही है लाइट में, मतलब लास्ट रिवील जो होता है वो छत पे करना चाहिए। देखो वैसे मैं है ना ऐसे नहीं है, हाँ एरो लगाता हूँ इस सीधी कहाँ से, हाँ समझ में आया लोगों को ना सीधी कहाँ से है। हाँ ठीक है, विशाल मेहरा, हाँ ठीक है, ओके ओके। तो गुड मॉर्निंग एंड अभी सेकंड डे है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, वैसे तो अभी रात हो रही है एंड मैं शाम को उठा था एंड अभी मैं काम करने बैठने वाला हूँ पेंटिंग पे, एंड अभी 12 बज रहे हैं रात के, तो अभी बस पेंटिंग पे मैं काम करने बैठ रहा हूँ एंड अब बस डिटेलिंग करनी है, एंड आज रात भर में ये पेंटिंग मैं फिनिश कर दूंगा एंड कल सुबह ये व्लॉग भी अपलोड कर दूंगा, इनके शॉर्ट्स वगैरह सब जो भी है अपलोड कर दूंगा ये मैंने सोचा है। तो अभी देखते हैं आज रात भर में ये पेंटिंग कंप्लीट होती है या नहीं, वैसे तो हो जाएगी, ज़्यादा काम अब इसमें बचा है नहीं, बस डिटेलिंग्स बची हैं एंड थोड़ा बहुत कुछ बैकग्राउंड में काम बचा है, तो आज तो मैं इसको कंप्लीट कर ही दूंगा अभी, है ना। बस अब बैठते हैं काम करने के लिए, पैलेट निकालता हूँ मेरी, होपफुली सूखी ना हो पैलेट, पैलेट मैंने अपने बैग के अंदर रख दी थी, इधर देखो छुपा के इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स रखी हुई है, देखो गणेश जी की पेंटिंग एक, तो ये पैलेट है अभी आपके सामने चेक करता हूँ मैं। गीली है, मैंने बहुत सारा पानी स्प्रे करके रखा था इसमें, है ना, और ये ब्लैक पानी इसमें वाइट में मिक्स नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी, देखो एकदम मस्त गीला है कलर, कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ इसी को हम यूज़ में लेने वाले हैं पैलेट को, रख सकता हूँ मैं अब, ठीक है पहले भी कवाड़े लग गए भाई, क्या हो गया भाई पैलेट गिर गई, तो अभी पैलेट गिर गई यार वीडियो बनाने के चक्कर में, देखना भाई पूरे कवाड़े लग गए कलर, बस बैठ रहा था यहाँ रख दी थी मैंने कोने में। नहीं ये अच्छा हुआ कि वो पेंटिंग उस पे नहीं गिरी, ये अच्छी बात है भाई की, तो ठीक है। तो हाँ ऐसे मैस भी हो जाते हैं कभी कभी, बैठ रहा था पेंटिंग करने, अब इस कलर का क्या करूँ, उठा लूँ ये लगा दो ना, यहाँ लगा दो ये करके काम में आ सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रख लेता ऊपर ऊपर से रख लेता ऑरेंज कलर ब्लैक बहुत ही उमदा प्रदर्शन। तो ये कवाड़े हो गए हैं, अब इसको साफ करने में टाइम लग जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई पेंटिंग करते टाइम ना, आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मुहूर्त निकाल के बैठा करो भैया, हाथ धुलना पड़ेगा, पोछा भी लगाना पड़ेगा। तो यार पोछा वोछा लगा के अब बैठता हूँ दोबारा से काम करने के लिए, एंड ऑलमोस्ट रात भर मैंने इस पेंटिंग पे डिटेलिंग का काम किया एंड काफ़ी ज़्यादा ना ड्राइंग मिस्टेक्स थी तो उसको भी मेरे को ठीक करना पड़ा, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया एंड ऑलमोस्ट डिटेलिंग करते करते ना सुबह हो गई है, और मैंने ज़्यादा शॉर्ट्स लिए नहीं, फुल वीडियोज़ नहीं बनाए क्योंकि फ़ोन में ना मेमोरी फुल हो चुकी थी और ज़्यादा लंबी वीडियोज़ में बनाता तो फिर मेमोरी चाहिए थी, इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ मैंने नहीं बनाए। ओके तो हाँ यार फाइनली पेंटिंग डन, एंड पेंटिंग को उल्टा रखा हुआ है अभी के लिए क्योंकि इसका हम फ्रेम बना रहे हैं, फ्रेम चढ़ा रहे हैं, तो जो फ्रेम निकाली थी ना पहले, जो इसमें फ्रेम लगी हुई थी पहले वाली पेंटिंग में, वही फ्रेम डबल से लगाने का ट्राई कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो हमने फ्रेम खुद से बनाई थी ये लकड़ी की, और लकड़ी कहाँ रखी हुई है इसकी, देखो ये पीछे ही रखी हुई है, तो इसमें से कील वगैरह ठोक के ना इसकी फ्रेम बनाई थी प्रॉपरली, तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसकी फ्रेम डबल से लगाते हैं फिर इसका लास्ट शॉट लेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी,
तो हाँ अभी फ्रेम लगाते हैं इसमें, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक बताता हूँ पेंटिंग का। ओके तो हाँ यार ये देखो डिटेलिंग में कुछ ऐसी दिख रही है पेंटिंग, एंड अभी हम छत पे आए हुए हैं इसका फाइनल शॉट लेने के लिए। एंड ये देखो फाइनली कुछ ऐसी लग रही है पेंटिंग, छत पे कपड़े सूख रहे हैं, इसको इग्नोर करना थोड़ा। एंड हाँ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।